रायबरेली एक्सप्रेस खबरें सबसे सबसे। रायबरेली जिले के बछावा स्थित कस्बे के अंदर लखनऊ इलाहाबाद राजमार्ग पर बना ओवरब्रिज फिर एक युवक को मरणासन्न स्थिति में पहुंचाने का जिम्मेदार बन गया। आज फिर इंजीनियरों की नासमझी के कारण पुल के ऊपर से एक बाइक सवार युवक नीचे जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे CSC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गर्जन का पुरवा रायबरेली निवासी शिवा, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, किसी काम से मोटरसाइकिल द्वारा लखनऊ गया हुआ था। आज वह रायबरेली के लिए वापस आ रहा था, जिससे ही उसकी मोटरसाइकिल पुल के मोड़ पर पहुंची कि अनियंत्रित हो गई और वह अभागा युवक पुल से नीचे जा गिरा। युवक के गिरते ही वहां मौजूद लोग दौड़ पड़े। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को CSC बछावा लाया गया, परंतु उसकी स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवक के दोनों पैर व हाथ पूरी तरह बेकार हो चुके हैं। चेहरा भी काफी हद तक विकृत हो गया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। महेश नाथ, ये कौन सा लड़का है, कैसे क्या हो, बताएं घटना। ये हमारा भतीजा है, भाई का लड़का है, बड़े भाई का लड़का। घर जा रहा है तो पैसा लेके वहाँ पहुँचाने के लिए। कहाँ से? ये बाबू खेड़ा से। और कहाँ जा रहा था? रायबरेली। तो कैसे घटना हुई बताओ? हम थे नहीं साथ में। फिर भी क्या जानकारी हुई हमको? अभी हम तो आए हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं। कुछ तो जानकारी हुई ना, क्या हुआ इसके साथ? एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे? कैसे गिरा है हमको ये मालूम नहीं है, कैसे गिरा। 108 से एम्बुलेंस लेके एक बच्ची को लाया गया, उसकी उम्र 24 साल। जो लखनऊ पुल है, ओवरब्रिज है जो बच रहा है लखनऊ पुल, वहाँ से बच्चा मतलब बाइक से आ रहा था, बाइक से डिवाइडर पे टकराया और नीचे पुल के नीचे आके गिर गया। यहाँ पर उसकी हालत थोड़ी सीरियस है, उसके दोनों हाथ टूट चुके हैं, उनके चार दांत टूट चुके हैं। इसका प्राथमिक उपचार करके फिर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।